वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में घड़ी लगाने के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा होती है। इन दिशाओं में घड़ी लगाना शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा। उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है। इस दिशा में घड़ी लगाने से घर में समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। ये दिशा सफलता और प्रगति के लिए भी शुभ मानी जाती है। पूर्व दिशा। पूर्व दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है। इस दिशा में घड़ी लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये दिशा स्वास्थ्य और खुशी के लिए भी शुभ मानी जाती है। पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा को यम की दिशा माना जाता है। इस दिशा में घड़ी लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हालांकि अगर उत्तर और पूर्व दिशा में घड़ी लगाने की जगह नहीं है तो पश्चिम दिशा में घड़ी लगाई जा सकती है। दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा को राहु की दिशा माना जाता है। इस दिशा में घड़ी लगाना अशुभ माना जाता है। इस दिशा में घड़ी लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। घड़ी लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। घड़ी का आकार और रंग घर के वास्तु के अनुसार होना चाहिए। घड़ी का मुख घर के मुख्य द्वार की ओर नहीं होना चाहिए। घड़ी को टूटा हुआ या खराब नहीं होना चाहिए। घड़ी को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। निष्कर्ष। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में घड़ी लगाने के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा है। दक्षिण दिशा में घड़ी लगाना अशुभ माना जाता है।